ये देखो भाई एग्जॉस्ट काफी बड़े साइज का एग्जॉस्ट पूरा यहाँ तक दिया गया ना। ये देखो भाई इसमें यहाँ पे कैमरा तक की दिया गया भाई। देखो कैमरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे बैठ पाएगा। यहाँ पे के लिए हम देख सकते हैं, मतलब ऑफ रोड के लिए यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, रोड पे भी चला सकते हो, मतलब ऑल इन वन बाइक। बाकी जो मेन चीज है टायर साइज, आप देख सकते हो कितना यूज इसका टायर साइज हमें देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर है ना, तो जो येलो ये गोल्ड की कुछ कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही कमाल का इसमें निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी इसमें लाइटें हम देख सकते हैं, आगे वाला टायर साइज भी काफी यूज है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टीवीएस रोनिन एपिसोड में। तो टीवीएस रोनिन आपने बहुत देखी है वो, देखो भाई यहाँ पे भी है। इतने कंपैरिजन मैंने इस बाइक के साथ कर रखे ना, मतलब इसका जो छोटे वाला मॉडल है, टॉप मॉडल है, मतलब सारी बातें हमने कर रखी है। लेकिन ये जो टीवीएस रोनिन है 225 cc में देखने में मतलब कितनी बल्कि से लगती है। हालांकि मतलब अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे बैठ पाएगा, यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं। लेकिन लुक्स बहुत ही कमाल के है, बहुत ही मतलब यू नो कि मतलब ऑफ रोड के लिए यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, रोड पे भी चला सकते हो, मतलब ऑल इन वन बाइक है। लेकिन प्रॉपर लॉन्च नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी बंदा कोशिश करता है कि यार मेरे को 225 cc में कोई ऐसी बल्कि बाइक मिल जाए जो कि ऑल इन वन हो, जिसे मैं सिटी में भी चला पाऊँ, ऑफ रोड भी कर पाऊँ, तो उसके हिसाब से भाई ये बाइक है। बाकी जो मेन चीज़ है टायर साइज, आप देख सकते हो कितना यूज इसका टायर साइज हमें देखने को मिल जाता है। पीछे डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज की मैं बात करता हूँ तो इसमें 175/60 R17, तो 16 इंच के अपना व्हील देखने को मिल जाते हैं, जो कि व्हील मतलब अलॉय व्हील नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हो व्हील वो इसमें देखने को मिल जाते हैं ना। और बाकी चेन सेट इस तरह, बाकी गोल्ड प्लेट यहाँ पे कुछ ऐसे हम जो अपने गोल्ड कलर दो थीम यूज हुआ है वो बढ़िया है। बाकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें मूनसून सस्पेंशन हमें देखने को मिलेंगे। बाकी टीवीएस इस तरह का इसमें लिखा हुआ, इस तरह का फुटरेस्ट गियर नॉक इसमें देखने को मिलता है, इस तरह का देखने को मिलता है। तो 225 cc इंजन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ब्लैक कलर है ना, तो जो येलो ये गोल्ड की कुछ कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही कमाल का इसमें निकल के आ रहा है। और मतलब अगर मैं आगे से बात करता हूँ ना, ये देखो तो मेन चीज़ है ना, जो उसकी हेडलाइट है ना उससे काफ़ी अलग है। इसमें यहाँ पे कैमरा तक की दिया गया भाई, देखो कैमरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई, बाइक में कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई। इसका DRL ये सारी लाइटें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और बाकी लाइटें वगैरह ना यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी इसमें लाइटें हम देख सकते हैं। आगे वाला टायर साइज भी काफ़ी यूज है, मतलब बहुत ही तगड़ा टायर साइज इसमें देखने को मिल जाता है। आगे भी डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाते हैं और मतलब बहुत ही कमाल, क्योंकि बंदा सोता है लाइट, हेडलाइट तो इधर दी गई है लेकिन लाइटें वगैरह यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाती है ना, तो मतलब लाइटिंग का भी कोई इशू नहीं। क्योंकि ऑफ रोड में हम जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑफ रोड के जो व्हीकल होते हैं, गाड़ी वगैरह होते हैं, उसमें आफ्टर मार्केट लाइट हम लगवा लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइट भी पहले से हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन बाकी एग्जॉस्ट पे फोकस करो, ये देखो भाई एग्जॉस्ट काफ़ी बड़े साइज़ का एग्जॉस्ट पूरा यहाँ तक दिया गया ना। ये देखो भाई मतलब कमाल की इसकी साउंड होगी, हालांकि भाई क्या करें बस। लेकिन अब हम देख सकते हैं स्मोकर गैरेज, यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे एक लिखा हुआ है टीवीएस रेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भाई इसमें 190 mm के आसपास का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा, जो कि कमाल का ग्राउंड क्लीयरेंस है। प्राइसिंग की बात करें 225 cc ये बाइक है, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर लॉन्च भी होती है ना, तो 3 लाख से ऊपर ही इसकी प्राइस जाने वाली है। बाकी आगे टेरिस्पाइक सस्पेंशन हम देख सकते हैं और मतलब कमाल की बाइक है, मतलब बस वही इशू है कि मतलब पैशन के लिए बाइक है, पैशनेट बाइक है, मतलब ये प्रैक्टिकल बाइक नहीं होती है ना। मतलब कई बार आप इसको सिटी में चला सकते हो, आप मतलब ऑफ रोड कर सकते हो वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे बैठ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रैक्टिकल आप सोचोगे ना तो सिर्फ एक बंदा बैठेगा, अब वो सब भूल जाओ, लेकिन शौक पूरे के लिए सीट भी वो इतनी हार्ड सीट है यार, मतलब सीट तो है ही नहीं भाई, ये सीट नहीं मिलती, ये सिर्फ ऐसा कुछ रबड़ का कुछ दे दिया गया, ये सीट है ही नहीं, ये पूरा अपना हार्ड ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया है, आगे तो मड़गाट दिया ही नहीं गया भाई, बाई चांस भाई कुछ सीधी सी बात है भाई ऐसा कुछ हुआ ना हो, लेकिन बाई चांस भाई बाइक का एक्सीडेंट भी होता है तो कहाँ से बचा होगा, सिर्फ भाई टायर ही आगे बस, और तो कुछ है नहीं। लेकिन बाकी फिलहाल के लिए तो बाइक काफ़ी अच्छी है, 225 cc है। पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका इस तरह का कुछ अपना टीवीएस रोनिन इस तरह की ये बाइक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टीवीएस मोटर सारी ये अपना वीडियो क्लिप निकल के आ रही है, क्या कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बाकी फिलहाल इसको मैं आगे करता हूँ तो ये देखो भाई स्क्रीन शॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी पावर 225 cc है, तो मेरे हिसाब से लगभग इसमें 17 BHP के आसपास निकलेगा, तो ये अपना 17 BHP आसपास निकल पाएगा मेरे हिसाब से ना, 18 निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो 18 BHP निकल पाएगा ना 225 में, 18 BHP निकल जाएगा और लगभग इसमें लगभग 55 Nm का टॉर्क निकल पाएगा। पावर तो कहीं नहीं लिखी भाई, लेकिन देख के बता सकता हूँ कितनी पावर इसमें निकल सकती है। बाकी इसमें क्लस्टर की स्टेयरिंग की मैं बात करता हूँ, इस तरह का स्टेयरिंग हम देख सकते हैं, पूरा डिजिटल देखने को मिल जाता है, जो अपना KTM 390 इस तरह का कुछ अपने इस तरह देखने को मिल जाता है। ये सारे इसके बटन वगैरह इस तरह के डिज़ाइन में हमें देखने को मिल जाते हैं ना, ये देखो भाई सारा क्लस्टर के कंट्रोल है सारे ना, यहाँ से हम कर सकते हैं। बाकी ठीक है, फ्यूल टैंक यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो इस साइज़ के हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें फ्यूल टैंक 16 लीटर के आसपास का देखने को मिलेगा ना,
16 का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो यूनिक चीज़ है ना, जो बाइक की यूनिक चीज़ निकल के आ रही है, मतलब काफ़ी लोगों ने इसको जो TVS अपना रोनिन 125 है ना, उसी को इसी वर्जन में मॉडिफाई करवा रहे हैं। क्या इंजन तो अलग है लेकिन मॉडिफाई इस तरह से करवा रहे हैं, वो हटवा देते हैं, टायर इस तरह का लगवा लेते हैं। तो काफ़ी बंदे सोचते हैं यार चलो कोई बात नहीं भाई, इतना बजट हमारा है नहीं, 125 चीज़ लेके आते और उसको मॉडिफाई करवा देते हैं इस तरह की, है ना। तो वो अपने अपने शौक है बाइक किसको मॉडिफिकेशन का शौक है जो भी है। नहीं फिलहाल ये तो ऐसा कुछ अपना TVS रोनिन जो ऑफ रोड बाइक हम बोल सकते हैं 125 cc में, और ऐसी कुछ ये बाइक रहने वाली है। तो यही था अपना कुछ रिव्यू। वीडियो चलोगे भाई बस लाइफ का गुन्ना, मिलते हैं जल्दी, गुड लक दोस्तों।